नमस्कार, मेरा नाम सुसन्ना एका है और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एक ऐसा वचन जिसके सुनते ही आपकी शादी होगी। क्योंकि अब तक आप सोच रहे थे कि आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है, इतने साल बीत गए, लेकिन अब आपको चिंता नहीं करना है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस वीडियो के लास्ट में मैं प्रार्थना भी करूँगी, तो इसलिए कोई भी पार्ट को स्किप नहीं करिएगा, वरना आप समझ नहीं पाएंगे। इस चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वचन बताती हूँ उसे सुन करके आप परमेश्वर के रास्ते में आगे बढ़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि आपने जो इस वीडियो पर क्लिक किया है ये देखने के लिए कि आखिर ऐसा कौन सा वो वचन है जिससे कि आप प्रार्थना करेंगे, आप बोलेंगे तो आपकी जो शादी नहीं हो रही है वो होगी। तो मैं इससे पहले आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि जो आपकी शादी नहीं हो पा रही है, आपका रिश्ता बार बार होता है लेकिन फिर टूट जाता है, तो इसमें जो रुकावट है आखिर वो रुकावट क्या है? क्योंकि जब तक आपको इसके रुकावट का पता नहीं चलेगा ये कहाँ से हो रहा है, तब तक आप उस परेशानी से बाहर नहीं निकल सकते और तब तक आपकी शादी भी नहीं हो सकती है। तो इसीलिए आपको बहुत कुछ जानना ज़रूरी है, वचन से ही हम जानेंगे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये शादी जिनकी नहीं होती है, हो सकता है आपकी भी नहीं हो रही हो, आपके परिवार में किसी का नहीं हो रहा होगा, तो मैं आपको बताऊँ कि इस वजह से ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। इस वजह से लोग गहरी निराशा में ले जाते हैं, मन में डिप्रेशन हो जाता है कि अब तक नहीं हुआ, 35 साल हो गया, 45 साल का मैं हो गया हूँ लेकिन अब तक नहीं हुआ। आप कोई मसीह भाई है या बहन है, कोई भी आप हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आज का वचन आपके लिए ही है और परमेश्वर आपको इस बंधन से आज़ाद करेंगे। क्योंकि कारण क्या है, सबसे बड़ा कारण जो आपका ये रुकावट है शादी में, वो यही है कि आपके ऊपर जादू टोना क्या हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि आप अपने आसपास भी अगर किसी को ऐसा देखे हैं जिनका नहीं हो रहा इतने सालों से, कारण क्या है? सब कुछ तो अच्छा है, इतने अमीर है, पैसे वाले, फिर कैसे रुकावट है? और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि रुकावट यही जादू टोना है और इसे हमें कैसे हटाना है। तो जब हम वचन में पढ़ेंगे, भजन संहिता 91:5 में लिखा है कि तू ना रात के भय से डरेगा और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। ये जो तीर है वो किस तीर की बात की गई है? जो आपके दुश्मन आपके विरुद्ध जो ये तीर चलाए हैं, चाहे वो अंधकार में या दिन में, क्योंकि शैतानी शक्तियाँ वैसे तो अंधकार में ज़्यादा काम करती है जब रात के 12 बज जाते हैं उसके बाद से, और इसी वजह से उसके बाद आपको ज़्यादा परेशानी भी होती होंगी। तो अब इस तीर को जो आपके विरुद्ध में वो आपके दुश्मन चलाए हैं आपके ऊपर कि आपका शादी में रुकावट हो जाए, आपकी शादी नहीं हो, आपका घर खराब हो जाए, तो ये सबसे आपको बचने के लिए एक उपाय है। आप ये सब वचन को लिखते रहिएगा। इफिसियों 6:16 पढ़ेंगे तो आपको इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो हमारी ये लड़ाई है वो आत्मिक लड़ाई है, आत्मिक युद्ध है। ऐसा नहीं है कि आपको शरीर से किसी को मारना है, चाकू तलवार से, गोली से, ऐसा नहीं करना है। ये लड़ाई दिखाई नहीं देगी आपको क्योंकि आकाश में होती है। आकाश में तीर छोड़े जाते हैं, जो दुश्मन लोग ऐसा करते हैं वो आपके विरुद्ध बहुत सारी प्लानिंग करके बैठे हैं कि आपका कोई काम सफल ना हो, आपकी जो ये शादी में रुकावट है इसी वजह से है। अब वो कौन है दुश्मन? कोई बाहर के लोग नहीं, आपके घर ही के लोग होते हैं। भले ही वो किसी और से कुछ भी करा सकते हैं, जादू टोना या किसी भी तरह का जो कार्यक्रम होता है, लेकिन जब इसका उपाय की बात की जाए तो इफिसियों 6:16 में लिखा है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। आमीन। तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि आपको दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझाना है। अब वो कैसे आपको बुझाना है? प्रार्थना में। आपको इस वचन के द्वारा प्रार्थना करना है कि मैं इस वचन के द्वारा जो दुष्ट लोग हैं जिन्होंने मेरे प्रति जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र चलाया, उसके सारे जलते हुए तीरों को बुझा देते हैं यीशु मसीह के नाम में। इस तरह आपको प्रार्थना करना है। तो दूसरा वचन है भजन संहिता 33:10। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं को निष्फल करता है। यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। आमीन। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर क्या करते हैं कि जो दुश्मनों ने आपके प्रति जो कल्पनाएं कर रखी है, प्लानिंग कर रखा है, उनकी प्लानिंग को परमेश्वर निष्फल कर देते हैं, फेल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। और यही काम आपको प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा करना है कि जो दुष्टों की युक्ति है वो फेल हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। तब आपके ऊपर से ये जो जादू टोना है ये ख़त्म होगा और आपकी जो शादी नहीं हो रही है वो शादी होगी, आपका जो रुकावट है वो रुकावट दूर होगा, हर बंधन हर श्राप खत्म होगा।
आमीन। अब मैं आपके लिए प्रार्थना करने से पहले एक आपको एक छोटा सा बात बताना चाहती हूँ। आप जो शादी के लिए सोच रहे हैं, तो हो सकता है आप सोच रहे होंगे मैं अपने धर्म में करूँगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या जो भी, लेकिन सबसे ज़रूरी क्या देखना है आपको कि आप उस स्त्री या उस पुरुष के साथ ही शादी करें जो कि यीशु मसीह के पीछे चलते हो। क्योंकि अगर आप इस तरह से शादी करेंगे कि जो कि अपना धर्म देख करके, या फिर इसमें धर्म और जाति का ऐसा कुछ भी नहीं है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म किसी भी जाति से हो, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला और उनके पीछे चलने वाला या वाली होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप मसीह में होकर के किसी ऐसे पुरुष या स्त्री के साथ शादी करते हैं जो कि विश्वासी नहीं है, अविश्वासी, तो ये वचन के विरुद्ध है, ऐसा आपको नहीं करना है। तो धीरज रखना है, परमेश्वर आपको प्रतिफल देंगे राइट टाइम में इन द राइट वे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं इन भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, धन्यवाद हो क्योंकि आपके आत्मा ने अगुवाई किया है पिता, कि वचन को ये पूरा सुने हैं विश्वास के साथ। आज जैसा इनका विश्वास है वैसा ही इनके लिए होने पाए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करती हूँ पिता कि इनके जीवन में जो रुकावट है, जो इनकी शादी नहीं हो रही, जो इनका रिश्ता बार बार कट जाता है पिता, इनकी शादी होने पाए, इनके जीवन से ये सारी रुकावटें दूर हो जाए नासरी के नाम। इनके जीवन में जो ये पहाड़ है, ये जो शादी का पहाड़ है, खड़कर समुद्र में चले जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया है पिता परमेश्वर। जिस जादू टोना की वजह से इनके जीवन में ये शादी की रुकावट है, जो नहीं हो पा रहा है, जो इनके ऊपर बंधन है, श्राप है, टूट जाए यीशु नासरी के नाम में। हे पिता, आपकी प्लानिंग इनके जीवन में पूरी होने पाए। हालेलुया, जो भी शैतानी शक्तियाँ इनके ऊपर कार्य कर रही है, उसे आग लगा देते, अंधा कर देते, यहोवा की आग से जलाकर भस्म कर देते यीशु नासरी के नाम में, शून्य कर देते हैं, काट डालते हैं, राख बना देते हैं, सारी शैतानी शक्तियों को देते यीशु नासरी के नाम में। हारून का जरने जाति गजगर को निगल ले, तीर धनुष को तोड़ देते हैं, भाले को दो टुकड़े कर डालते हैं, रथों को आग में झोंक देते हैं, हर एक जादू टोना तंत्र मंत्र काला जादू शैतानी शक्ति को प्रभु यीशु के लहू से बांध देते हैं। हालेलुया पिता, आपके वचन में लिखा है दुष्टों की युक्ति को आप निष्फल कर देते हैं। आप इनके जीवन में जो भी जिन्होंने जादू टोना किया उनकी प्लानिंग फेल हो जाए, कैंसिल हो जाए यीशु नासरी के नाम, इनके ऊपर से जादू टोना खत्म हो जाए। हालेलुया, जो भी ये दुष्टात्माओं से परेशान है इस वजह से, जो इनके अंदर शैतानी शक्तियाँ कार्य करती है, उसे आग लगा देते हैं, शैतान और इनके लोगों को अंधा कर देते हैं, बांध देते हैं यीशु नासरी के नाम में। दुष्ट के सब जलते तीरों को बुझा देते हैं, यज्ञ पशु को वेदी के सिंगों से रस्सियों से बांध देते हैं यीशु नासरी के नाम में। स्वर्ग से आग गिराकर शैतान को जलाकर भस्म कर देते हैं। हालेलुया पिता, कोई भी शैतान की शक्ति इन्हें छूने ना पाए। इन भाई और बहन को सिर से लेकर पैरों तक ब्लेस करते हैं, इनके शरीर के सभी अंगों पर प्रभु यीशु मसीह के लहू का ढक्कन लगा देते हैं। हालेलुया हे पिता परमेश्वर, आपका आत्मा इसी वक्त इन्हें छू ले और इन्हें हर बंधन से आज़ाद करे पिता, ताकि इनकी शादी होने पाए यीशु नासरी के नाम में। इन्हें आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर, भरपूर आशीषों से भर दे। हालेलुया हे पिता परमेश्वर, इनके जीवन में एक बड़ी और अद्भुत गवाही बने पाए यीशु नासरी के नाम में। जैसा इनका विश्वास है वैसा इनके लिए हो। हालेलुया पिता परमेश्वर, अगर ये जो भाई है जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, तो इन्हें आपकी भय मानने वाली स्त्री इनको मिलने पाए यीशु नासरी के नाम में, जो आपकी ओर से हो, जो आपके वचन के अनुसार चलने वाली हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, यदि ये कोई बहन है जो इस वीडियो को, इस प्रार्थना को सुन रही है पिता परमेश्वर, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता, ये बहन को आपकी ओर से आपके रास्ते में खराई से चलने वाले पुरुष की इन्हें आशीष मिले पिता। हालेलुया, ताकि ये साथ में, ये पति पत्नी साथ में रह करके आपकी महिमा कर सके, इनका मेल मिलाप हो पिता परमेश्वर। हालेलुया हे पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में आपकी प्लानिंग होती है पिता परमेश्वर, वो प्लानिंग वो युक्ति इनके जीवन में स्थिर होने पाए, पूरी होने पाए यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता, आपने इस प्रार्थना को सुना है और उत्तर भी दिया। इस भाई और बहन को पूरी रीति से आजाद करते हैं और यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। हालेलुया, अब आपको विश्वास करना है कि इस प्रार्थना के सुनने से ही आपकी शादी में जो रुकावट थी, अब वो बिल्कुल दूर हो चुकी है। तो कारण आपने जान लिया कि क्यों नहीं हो रहा था, और अब वो कारण जो रुकावट था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और आपको मुझे कॉमेंट करके लिखना है, आपको कमेंट में, कि मेरी शादी हो चुकी है। और सिर्फ लिखना ही नहीं है, बोलना भी है। इसी वक्त आप बोलिए जो वीडियो को देख रहे हैं कि मेरी शादी हो चुकी है, आमीन, आपके विश्वास के द्वारा ये हो चुका है। तो इस वीडियो को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, शादी नहीं हो रही है, तो उनकी भी शादी हो, उनका भी घर बसे और आप परमेश्वर की महिमा कर सके, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।